नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रशिया मेडिको में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे और जहां भी होंगे आप लोग बिल्कुल भी सेफ होंगे। इस वीडियो में हम लोग एयर लिफ्ट और इवैक्यूएट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अफवाह न्यूज़ चल रही है, बहुत अलग अलग झूठा न्यूज़, बहुत कुछ अफवाह फैल रहा है कि बच्चे को इवैक्यूएट किया जा रहा है, एयर लिफ्ट करेगा इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को रशिया के एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस किए थे सभी स्टूडेंट के साथ और उनसे हम लोग की बातचीत भी हुई है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम लोगों क्या इंडियन एम्बेसडर के एम्बेसडर से बात हुई और क्या रियलिटी है, कब क्या प्रोसेस है इवैक्यूएट करने का बच्चों का, क्या मीन्स अभी ये कन्फर्म नहीं है कि बच्चे को इवैक्यूएट इंडिया करेगा, और अभी ये बात चल रही है, अभी ये कन्फर्म नहीं है। मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो दिखाता हूँ जो इंडियन एम्बेसडर से बात हुई थी हम लोगों को जूम ऐप के द्वारा। कमेंट्स मेड बाय स्टूडेंट्स अबाउट वांटिंग टू गो बैक होम। नाउ देयर आई थिंक देयर इज नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव अ सिमिलर ओपिनियन। इन सम यूनिवर्सिटीज द सिचुएशन इज गुड, इन सम यूनिवर्सिटीज द एग्जाम्स are being organized, in some universities exams are it is not clear where when the exams will be. This is an issue that we will continue to monitor, and we will keep you informed of the possibilities of your travel back to India. We also noted that many of you have felt that other foreign students are not maintaining discipline in the hostels, they are not taking care of the health regulations. To the extent possible, we will write to the university authorities to take this issue forward. Now, you would have heard Prime Minister's speech today. The lockdown period has been extended in India until 3rd May. Until 3rd May, of course, there are no international flights also that are being organized to India. International flights. However, we are in the process of seeing whether if there are a large number of Indian students wanting to go back to India, what arrangements can be made, especially in Russia, whether these are practical and feasible. And no decision has been taken as yet, but we are monitoring the situation. So what I will request is that the embassy has prepared will prepare on the website, embassy website, your name, your passport number, university in Russia where you are studying, the state in India where you come from, whether you come from Maharashtra or from UP or from Rajasthan or from Tamil Nadu or Kerala, wherever, whatever it is, and the nearest international airport. For example, a lot of our friends from Komarevo have noticed are from Rajasthan. Now, if they want to go back to India, what is their nearest airport for them? Is it Delhi? Would they like to go back to Delhi? Or is it to Mumbai? Whatever. If we have a lot of students studying in Kerala, from Kerala, whether they would like to go to Trivandrum or to Chennai or to Delhi, you know, these are the sort of details that we will put in. वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर है रशिया के, वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे एक और रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट का कराया जा रहा है, जिसमें वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम, उनके इंडिया का पता, उनके जो जहाँ उनका घर है उसके बगल में सबसे नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, वो सब की डिटेल्स, अगर आप वो डिटेल्स फिल नहीं किए हैं, अगर आप किसी और भी कंट्री में हैं तो आप इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर उस पर स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है तो आप उस रजिस्ट्रेशन को जरूर कर लें। और हमारे एम्बेसडर ने इस वीडियो में यह भी बताया कि अभी कोई कंफर्म नहीं है, अभी बात चल रही है, 3 मई के बाद कुछ बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस है इवैक्यूएट करने का। मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूं जो कि इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल पे आया था कि अभी इंडिया प्लानिंग कर रहा है जो भी बच्चे बाहर स्टडी कर रहे हैं उनको इवैक्यूएट करने का, उनको इंडिया लाने का। तो मैं वो वीडियो आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ।
Some big news coming in relief to many students stuck abroad or many Indian nationals there. India is now preparing an elaborate plan to evacuate thousands of those Indian nationals stranded across the globe due to ongoing lockdown. The Ministry of External Affairs made a presentation of the exit plan to top government officials in a meeting held by Cabinet Secretary Rajiv Gauba on Saturday. The government is firming up exact count of who is where and how many flights it might need to take them, evacuate those people back into the country. The government will also ensure that wherever possible, they came with COVID negative certificates. Whoever is coming back should come with COVID negative certificates. They've got to have a certification. Let's quickly go over to Geeta Mohan joining us for more on this. Geeta Mohan, please do bring us some details with regards to foreign nationals who are stranded across the globe. India now plans to bring them back. अपने एम्बेसडर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुआ था, मैं वो भी आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाया. और इन टुडे इंडिया पे जो न्यूज़ आई थी कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है जो भी स्टूडेंट बाहर में स्टडी कर रहे हैं उनको इंडिया वापस लाने का, तो जो भी दो था वो मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताया. लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है. जो भी न्यू अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपने वीडियो के जरिए अपडेट करता रहूँगा. आप लोग ज़्यादा पैनिक ना हो, जहाँ भी हैं आप लोग बिल्कुल भी सेफ हैं. मैं तो रशिया में हूँ तो हम लोगों को भी यहाँ ऐसा नहीं कि हम लोगों को यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग यहाँ सेफ नहीं, हम लोग यहाँ भी बिल्कुल भी सेफ है. बट रशिया में अभी अप्रॉक्स 1 लाख केसेस होने वाले हैं, तो केसेस रशिया में बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए बच्चे बहुत डरे हुए हैं. लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जहाँ भी हैं बिल्कुल भी सेफ रहें. अगर रशिया में केसेस जाते हैं ज़्यादा हैं तो डेली ज़्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं, बट इंडिया में थोड़ा टेस्ट कम हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं कि इंडिया में आप चले जाओगे तो इंडिया में सेफ रहोगे. वहाँ भी इंडिया में भी केसेस हैं. इंडिया में भी अभी कुछ दिन से रैपिडली बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है. तो आप जहाँ भी हैं सेफ रहें. अगर इंडिया कुछ प्लानिंग करता है वापस लाने का तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर हम लोग अपने घर चले जाएँ तो जो भी होगा मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा. इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी बाहर रह रहे हैं, ताकि उनको जो भी फेक न्यूज़ या फिर जो भी गलत न्यूज़ मिल रहा है वो क्लियर हो जाए. जो भी रियलिटी है उनको जो एम्बेसडर और न्यूज़ के द्वारा जो भी इंडिया प्लानिंग कर रहा है उनको ये क्लियर पता चले.